गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी, इट्स योर हिंदी क्लास एंड टुडे इज 2nd January 2021. सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर. ओके सो स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी क्लास है, तो चलो हिंदी क्लास हम स्टार्ट करते हैं. ओके सो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, ए से एक तारा. ओके कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, ये सब हमने सीखा था. अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, पेज नंबर 10. ओके आज हम ये सीखने वाले हैं. तो देखो ये जो है, ये जो स्वर है इसे बोलते हैं ऐ. ओके तो ऐ से होता है ऐनक. अब ऐनक क्या है, ये जो चश्मा है, चश्मा आप लोग ने देखा है, ये इसको तो पहचानते हो, ये है ऐनक. ठीक है ओके तो देखो ये बच्चा कैसे ऐनक को पहना हुआ है ना. ओके सो स्टूडेंट्स, इट्स ये क्या है, ये कौन सा स्वर है, ये है ऐ. और ऐसे बने जो शब्द है उसको बोलते हैं ऐनक. तो ऐसे बना शब्द है ऐनक और ये है ऐ. तो अब हम सबसे पहले ऐ लिखना सीखेंगे, उसके बाद ऐनक लिखना सीखेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी हम ए लिखने वाले हैं. सबसे पहले हम मात्रा देंगे, उसके बाद ए जैसे लिखते हैं हम वैसे लिखेंगे, फिर ये ए हो गया ए. ठीक है चलो फिर से लिखते हैं. ओके तो ये हो गया ए. अब हम ऐसे बने शब्द लिखने वाले हैं, यानी कि ऐनक. कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम मात्रा देंगे, उसके बाद ए न क ऐनक. ठीक है चलो फिर से हम इसको लिखते हैं, ए न ओके ऐनक. तो आई होप कि आप लोगों को ये तो घर पे आपको इसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है यही आपका आज का क्लास वर्क है, सबसे पहले बोलना सीखना फिर ये लिखना. तो अब ऐ लिख ले, ऐ लिखते थे, अब हम ऐसे बने शब्द भी सीखेंगे. तो ये है ऐनक. ठीक है आपको भी घर पे एकदम ऐसे ही लिखना है. और प्लीज़ आप लोग को ये आएगा, ये बार बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरी आपको आ जाएगा. ठीक है पहले सबसे पहले ए लिखे, उसके बाद न और क तो हम लिख चुके हैं पहले भी क्लासेस में. तो ए के बाद न और क लिख दीजिए, हो गया ऐनक. ठीक है तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है ये स्वर है इसका नाम है ऐ. ओके और ऐ से बने शब्द हमने सीखा है ऐनक. ठीक है ये है ऐनक. ओके सो थैंक यू, आवर टुडेज हिंदी होमवर्क क्लास इज़ ओवर.